280 तीर्थयात्रियों को लेकर पहली मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची टनकपुर। जी हां, उत्तराखंड सरकार की मानसखंड तीर्थयात्रा के 280 यात्रियों को पुणे से लेकर पहली मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बुधवार को उत्तराखंड के सीमांत टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। बताते चले कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को पौराणिक ग्रंथों में मानसखंड के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक कालीन छोटे बड़े मंदिरों को जोड़कर मानसखंड यात्रा का संचालन शुरू किया गया है, जिसके तहत पहले 280 यात्रियों को लेकर मानसखंड एक्सप्रेस सोमवार 22 अप्रैल को पुणे से चली थी, जो कि बुधवार की सुबह 11 बजे उत्तराखंड के सीमांत टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। टनकपुर स्टेशन पर सभी यात्रियों का छोलिया नृत्य के साथ स्थानीय लोगों व पर्यटन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। देखिए संवाददाता लक्ष्मण बिश की खास रिपोर्ट। से आया हूँ, दो दिन का सफर करके आज टनकपुर पहुँच गया हूँ। बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा है, सब सुविधाएं अच्छी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इंडियन रेलवे से टाइप करते हुए मानसखंड एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम फेज में आज 280 यात्री हमारे टनकपुर आ रहे हैं, जिनको कि हम दो बैच में डिवाइड करके एक को नैनीताल के रास्ते, एक को पुणे के रास्ते हम पूरे कुमाऊं का भ्रमण कराएंगे।